नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप पल पल के अपडेट आसानी से पाते रहें। चलिए दोस्तों, बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उपेंद्र यादव ने अपने ऑफिस फेसबुक अकाउंट पर ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से जन सुनवाई में मुलाकात हुई कि बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री जी से ऑफिशियली मीटिंग नहीं हो पाई। कल अधिकारी और मंत्री के साथ मुख्यमंत्री जी की शाम 4 बजे मीटिंग प्रस्तावित है। विभिन्न भर्तियों को लेकर कल की मीटिंग में नई रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा और रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची का फैसला होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य भर्तियों को भी लेकर होगी मीटिंग में अहम चर्चा। आज विभिन्न भर्तियों के अधिकारियों की लंबित भर्तियों को लेकर सचिवालय में हुई थी अहम मीटिंग और कल फिर होगी मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की भर्तियों को लेकर अहम मीटिंग। दोस्तों, पशुधन सहायक भर्ती 2018, LDC भर्ती 2018, कर सहायक एवं PTI भर्ती 2018, 1028 पदों पर परिणाम 25 अक्टूबर से पहले आ जाएंगे। ये आश्वासन आज अधिकारियों से मिला है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको दीपावली से पहले तोहफा मिल सके। स्कूल व्याख्या भर्ती परीक्षा की तिथि एवं विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों के लिए और कुछ परिणामों के लिए नवम्बर के लिए कहा है और जैसे ही मेरी दोबारा बात होगी तो मैं आप लोगों को बिना कहे पूछ डालकर अपडेट दे दूंगा। ना हम रुकेंगे ना झुकेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक पीड़ित बेरोजगार भाई बहन को आंखों में खुशियों की झलक ना दिख जाए तब तक। भारतीय अनेक समस्या अनेक और इंसान एक है, फिर भी समझ निकाल कर हर व्यक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ और जितना सहयोग होगा मैं रोज आप लोगों के लिए करूंगा। जिस दिन जिस भर्ती से संबंधित मेरी बात तो होती है और उससे संबंधित न्यूज होती है वही मैं पोस्ट करता हूँ, लेकिन अन्य भर्तियों की लोग नीचे कमेंट करते हैं। मैं उन दोस्तों को कहना चाहूंगा, मुझे सब याद है, जितना सहयोग होगा आपको भी करूंगा। आपकी वीडियो को मैं समझता भी हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन अकेले इंसान एक साथ इतनी जगह नहीं भाग सकता। मेरी भावनाओं को समझने की आप कोशिश करें। पीटीआई भर्ती 2018 में चयनित 36-28 की नियुक्तियों को लेकर कल CMO में अधिकारियों से मिलूंगा और कोशिश करूंगा। कल भी कन्या निर्देश अधिकारियों को फोन करवाकर जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश करवाने के लिए आज भी गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बीकानेर धरने पर बैठे लोग। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को ही यही कहूंगा, आप लोग RPSC पहुंचो और धरना शुरू करो। आपका सहयोग करने में जरूर आऊंगा। पटवारी राजस्थान पुलिस नई अध्यापक पात्रता परीक्षा, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, टेक्निकल विभाग के PWD, WRD, PhD डिपार्टमेंट में और कृषि डिपार्टमेंट में JEN और AEN की भर्ती और बिजली विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती निकाली जाए, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। जल्दी इसको लेकर बड़ा कुछ किया जाएगा, इसके लिए आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। एक प्रयास सफल हुआ है, L2 भर्ती का परिणाम एवं काउंसलिंग के आदेश जारी हो गए हैं। अजमेर डिस्कॉम को छोड़कर अजमेर डिस्कॉम का भी परिणाम देर रात तक या कल जारी हो जाएगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप सभी भर्तियों को लेकर के उपेन यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ट्वीट किया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी